चाइनीज फॉग लैंप है वो, स्ट्रीट लाइट। पीछे वाले इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर चालू है, हेडलाइट नहीं करी अभी। ठीक है, अपर डिपर ठीक है। तो भाई स्वागत है आपको ट्रैक्टर मॉडल के एक और वीडियो में, और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक जनरल मेंटेनेंस और सर्विस मारुति SX4 की। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। भाई शुरुआत करते हैं इसकी सर्विस की, SX4 की सर्विस। से पहले मैं इसके बोनट के नीचे की कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर बैटरी की बात की जाए, तो बैटरी जो है इसमें एक अंडर साइज बैटरी लगी हुई है। वैसे इसमें लगभग 45 से 60 एच की होनी चाहिए, लेकिन ये 40 एच की स्टैंडर्ड ऑल्टोर जो 800 में लगने वाली छोटी बैटरी है वो लगी हुई है। ये है इसका जो फ्यूज़ बॉक्स कहूँ मैं, ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है। ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है, यहाँ पे फ्यूज़ कुछ मेजर फ्यूजेस और रिले वगैरह लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ फॉल्ट है नहीं इसलिए इसको नहीं खोलेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये इसका कूलेंट कैप है, अभी क्योंकि गाड़ी गर्म है तो इसको नहीं खोलेंगे। ये इसका वाइपर पाइप, और ये इसका है ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल के अलावा ये यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये इसकी इंजन ऑयल की स्ट्रिप है, पेट्रोल गाड़ी है। उसके बाद भी इसका जो इंजन ऑयल है काफ़ी ज़्यादा जला हुआ लग रहा है, तो ऑयल तो इसमें चेंज होना ही चाहिए। अब अगर बात की जाए और दूसरे पार्ट्स की, तो इसमें पावर स्टीयरिंग शायद मोटर से होता होगा, ये यहाँ पर ABS दिया हुआ है, एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम जो होता है वो दिया हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। पेट्रोल इंजन है तो टर्बोचार्ज नहीं है इसमें, कोई टर्बोचार्जर नहीं दिया हुआ, आप देख सकते हैं। सीधे यहाँ से जो नोज़ल है वो इंजेक्टर के साथ में अटैच हो गया है। जो टर्बोचार्जर होता है उसमें जो इनटेक है पहले टर्बोचार्ज में जाता है, फिर वहाँ से एयर फिल्टर में जाता है, तो इसका जो एयर फिल्टर है वो यहाँ पर ये लगा हुआ है। इसको ये दो क्लिप जब खोलेंगे तो यहाँ से इसका जो है एयर फिल्टर हम देख सकते हैं, जो कि भी काफ़ी गंदा दिखाई दे रहा है मुझे, पर जब उस्ताद आएंगे वो खोलेंगे। एनीवे, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। चारों टायर को खोलने के बाद में इसकी जो डिस्क पैड है वो हमें चेक करना है, वो भी चेक करेंगे अभी। और उसके बाद में जो पिछले ब्रेक के जो लाइनर है वो भी हमें चेक करना है। तो ये टायर हमने खोल दिए हैं, कितने की आ रही वो बता देंगे। ब्रेक पैड नए डलवाए,
अब ये हो गई ओवर साइज, ओवर साइज। हाँ, तो जो डिक्स है ना, इस पे आ रहा है ब्रेक पे। अच्छा, ये आधे पे आ रहा है। हाँ, आधे से ये पूरे पे आना चाहिए। जबकि ये पूरे पहले इतने पे आ रहा था, ऊपर बढ़ गया, वो बढ़ गया माल। अच्छा, लोकल। ठीक ठीक, ये समस्या है, तो उससे आवाज आ रही है ब्रेक लगाने। ठीक, बाकी अभी पैड ठीक है, पैड नए। तो इस पीछे के जो स्टड हैं वो खोलने में आप देख सकते हैं कि जो दो हैं ये टूट गए हैं, और इनके टूटने का कारण जो है बहुत ही वो है ओवर टाइटनेस। जैसे जो ये जो व्हील होते हैं इनमें नॉर्मली एक तरीके से एक गेज बना होता है। गेज से मतलब ये है कि इसका जो व्हील है वो कुछ ऐसा होता है कि नट कसने पर वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है और टाइट हो जाता है। सो ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी जो नए मैकेनिक होते हैं या फिर जो पंचर बनाने वाले होते हैं वो उसको इतना टाइट कर देते हैं जैसे ट्रक को के टाइट। तो उसी कारण से ये जो स्टड हैं ये एक ये वाला टूट गया है और एक उस तरफ का भी टूट गया है, और इस तरफ ये वाला स्लिप हो गया पूरी तरीके से। अब इसको चेंज करना होगा, ये हालत में इसको अगर बदल दें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी इसको साफ करके देख लो एक बार। और इंजन ऑयल वो भी काफ़ी काला है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब हम इसका जो ये जो कवर है इसको खोल के, तो अब इसका जो ऑयल है वो हम निकालने वाले हैं, ऑयल चेंज करना है। तो उसके लिए इसको थोड़ा सा पहले ऊपर उठाना होगा। SX4 में नीचे की तरफ यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ऑयल ड्रेन नट होता है, जैसे कि यूजुअली हर गाड़ी में चेंबर की तरफ, चेंबर में पीछे की तरफ पाया जाता है, इसमें भी वहीं पे है। तो अभी हम इसको खोलेंगे, खुल चुका है। अब एक बड़े से बर्तन में जिसकी कैपेसिटी लगभग 5 लीटर के आसपास होनी चाहिए, वो बर्तन में हम इसका ऑयल निकालेंगे। और इंजन ऑयल के बाद में जो इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इसका ऑयल फिल्टर, वो बिल्कुल यही नीचे के नीचे लगा हुआ है ब्लैक कलर का, तो वो भी आसानी से निकल जाएगा। काफ़ी इजी और एक्सेसिबल जगह पे लगा हुआ है, क्योंकि पिछली लास्ट टाइम जो हमने हुंडई में देखा था उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जगह थी। पहले ऑयल फिल्टर, काफी गर्म था। अब इस ऑयल को थोड़ी देर ड्रेन होने दें जब तक कि ये पूरी तरीके से नितर ना जाए, और उसके बाद में इसकी जो कैप है उसको लगाने के बाद में ऊपर से इसमें नया ऑयल डालेंगे। इसका नया वाला ऑयल फिल्टर और ये पुराना वाला, ये भी एक बार शेप और साइज़ को फिजिकली वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही इनको लगाना है। तो ये बिल्कुल ठीक है सुजुकी के लिए, ये अब इसको लगा सकते हैं। नया वाला लग चुका है, इंजन ऑयल अभी भी गिर रहा है धीमे धीमे, तो इसको कुछ देर और छोड़ना है। तो ये जो ऑयल नट है इसको भी हमने कस दिया, भाई इसका जो ऑयल है वो भरते हैं इसमें, और उसके लिए गाड़ी को हमें नीचे उतारना पड़ेगा पहले।
हाँ अरे उस्ताद ब्रेक आए लो एयर फिल्टर तो गाइस ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको मारुति सुजुकी SX4 में इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर ये सारी चीज़ें बदलना बताई। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से किसी भी गाड़ी के जो गाड़ी का जो ब्रेक सिस्टम है उसमें से एयर निकाली जाती है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.